हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड थर्ड चैप्टर ऑफ बी हाइव द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम्ड केजिया. शी हैड अ फियर फ्रॉम हर फादर. शी थॉट हर फादर एज ए हार्ड हार्टेड पर्सन. She was once bitten by her father for tearing some important documents. And once she was left alone in the house when father took care of the girl, then she realized that her father was not a giant. Was not so cruel as she thought him. Let's read. To the little girl, he was a figure to be feared. He father, जो father थे वो उस लड़की के लिए एक डराने वाले इंसान थे. She had a fear from her father and avoided. और वो अपने फादर को अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. फादर का एक जनरल एक रूटीन था, वो जब भी ऑफिस जाते थे जाने से पहले वो केजिया को किस करके जाते थे, गुड बाय किस करके. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर एंड ओ There was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. And when father went to office, she felt relaxed. जब father office के लिए चले जाते थे उनके carriage की उनकी गाड़ी की आवाज़ faint means धीमी होती चली जाती. जब वो गाड़ी घर से दूर निकल जाती तो आवाज़ गाड़ी की कम हो जाती तो केजिया को अच्छा लगता. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. शाम के समय आफ्टर ऑफिस व्हेन ही रिटर्न होम एट दैट टाइम केजिया स्टूड नियर द स्टेयरकेस. केजिया सीढ़ियों के पास सीढ़ियों में खड़ी रहती थी, दूर से ही फादर को देखती रहती थी. एंड हर्ड His voice, loud voice in the hall. Father, mother को instructions दे रहे होते थे कुछ. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. And bring me my slippers. ये कुछ instructions थे जो father, mother को देते थे कि मेरी चाय लेकर आओ, paper लेकर आओ, मेरे slipper कहाँ हैं. Kezia, mother would call to her. If you are a good girl, you can come down and take off father's boots. अगर अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ, father की help करो उनके shoes उतारने में. She wanted that Kezia would spend a good time with father. Slowly the girl would slip down the stairs and more slowly still across the hall. केजिया धीमी धीरे 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 वो फादर तक हॉल तक जहाँ फादर लेटे रहते थे वहाँ तक पहुँचती. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीमे धीमे कदमों तक फादर तक पहुँचती. बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Or father apne spectacles laga kar unke upar se use dekhte the jisse Kezia ko bahut dar lagta tha. Well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Father instructions dete ki boot utar do. Have you been a good girl today? क्या सारा दिन अच्छे से रही एक अच्छी बच्ची की तरह.
And then she started stammering. I don't know, father. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी, हकलाओगी, तो मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी फॉर चेकअप. She never stuttered with other people. Had quite given it up. वो किसी के साथ इस तरह से नहीं बोलती थी, अटक अटक के स्टैमरिंग नहीं करती थी. सिर्फ फादर के साथ ही उसे प्रॉब्लम थी. एंड दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हर फियर. बाकी सबके साथ वो गिव अप कर चुकी थी. किसी के साथ वो स्टैमरिंग नहीं करती थी, स्टटर नहीं करती थी. बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली. व्हाट्स द मैटर? What are you looking so rest about? Rest means unhappy. Father reason पूछते, बेटा क्या बात है, किसके परेशान हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. ये तो मेरे सामने ऐसे खड़ी है जैसे अभी suicide कर लेगी, पता नहीं इसने क्या देख लिया है. You must teach the girl how to behave. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Father instructions देते कि चाय का कप टेबल पर सावधानी से रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he young. Kezia father को देखती और उसके लिए वो एक giant के जैसे थे, जिनके बड़े बड़े हाथ, बड़ा सा फेस था. और स्पेशली जब वो यान करते थे, जब वो बासी लेते थे, तो वो बहुत डर जाती थी. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अकेले में जब भी वो उनके बारे में सोचती थी, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जैसे वो एक जाइंट, एक बहुत बड़े राक्षस के बारे में सोच रही हो. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राॅइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. Because grandmother wanted that she would spend good time with father, that's why she sent her to the drawing room for having a nice talk with father. Grandmother हर संडे को कहती, बेटा नीचे जाओ, फादर के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो चाहती थी कि इनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बने. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब भी वो नीचे आती बातचीत करने के लिए, फादर स्ट्रेच आउट फैले हुए होते, लेटे हुए होते सोफे पर, और उनके जो फेस था वो हैंकर चीफ से कवर किया हुआ उन्होंने किया हुआ वो रहते थे, और अपने फीट को एक बेस्ट कुशन के ऊपर रिलैक्स करने के लिए वो रखते, और स्लीपिंग साउंडली बड़े आराम से वो गहरी नींद में होते. एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग होता है बेटा खर्राटे लेना. और मदर जनरली वो कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रही होती थी. शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क द टाइम. केजिया वहीं स्टूल पर ग्रेवली सीरियसली फादर को घूरती रहती, स्टेयर करती रहती, जब तक वो उठ के टाइम पूछकर, जब तक वो केजिया की तरफ ना देखती. और जैसे ही केजिया की तरफ देखते, वो देखते केजिया उसे घूर रही है, तो केजिया के फादर इंस्ट्रक्ट देते उसे, डोंट स्टेयर सो केजिया, मुझे इस तरह से स्टेयर मत करो, यू लुक लाइक अ लिटल ब्राउन आउल, तुम एक आउल के जैसे दिख रही हो. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. एक बार जब केजिया घर के अंदर थी, तो ग्रैंड मदर उसको इन्फॉर्मेशन देती है कि नेक्स्ट वीक फादर का बर्थडे है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, बिकॉज शी न्यू दैट आफ्टर रिसीविंग द गिफ्ट फादर वुड बी हैप्पी. सो ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया टू प्रिपेयर अ बर्थडे गिफ्ट, एंड फॉर दैट शी सजेस्टेड हर टू मेक अ पिन कुशन आउट ऑफ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. एक येलो सिल्क के कपड़े से एक पिन कुशन तैयार करने के लिए वो केजिया को सजेस्ट करती हैं ग्रैंड मदर.
Laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides. बड़ी मेहनत के साथ, बड़े एफर्ट के साथ वो एक डबल कॉटन शीट को स्टिच करती है, उसकी तीन साइड स्टिच करती है. बट वट टू फिल इट विथ, लेकिन उसके अंदर वो फिल क्या करें. बेटा जैसे पिलो का कवर होता है, उसके लिए वो इस तरह से एक डबल कॉटन को स्टिच करती है और इस साइड से और इधर से वो इसको प्रॉपरली स्टिच कर देती है, और ताकि यहाँ इस साइड से वो कुछ उसके अंदर स्टफ कर सके, कुछ डाल सके. और उसके लिए वो पूरे रूम में घूमती है. द ग्रैंड मदर वॉज बट वट टू फिल इट विद, लेकिन डाले क्या उसके अंदर, दैट वॉज द क्वेश्चन. एंड शी वॉन्टेड ग्रैंड मदर्स हेल्प बट शी वॉज नॉट इन द हाउस, शी वॉज आउट इन द गार्डन. एंड शी वॉज She wandered into mother's bedroom to look for scraps, कुछ पीस, कुछ कपड़े वगैरह, कुछ स्टफिंग के लिए वो ढूंढ रही है सामान केजिया की, इसके अंदर मैं डालू क्या. On the bed table she discovered the great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. वो मदर के बेडरूम में जाती है जहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं. वो उन्हें उन शीट्स को उठाती है, वहाँ से गैदर करती है, उनको छोटे छोटे पीसेस में टोर कर लेती है, फाड़ लेती है और उसको स्टफ करती है इस पिलो पिन कुशन को जो उसने तैयार किया है तीन साइड से स्ट्रेच करके अंदर. इसके अंदर वो जो है उस सारे सभी चीज़ों को, उन पेपर्स को फिल कर देती है और बाद में इस फोर्थ साइड को भी वो स्टिच कर देती है. Then sewed up the fourth side. That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry means angry protest. पूरे घर में हंगामा हो जाता है. फादर को अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं जिन्हें केजिया ने पिन कुशन के अंदर डाल दिया है. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. वो जो डॉक्यूमेंट्स केजिया ने फाड़े थे वो फादर के पोर्ट अथॉरिटी के एक स्पीच थी. रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स वर क्वेश्चंस, सभी से क्वेश्चनिंग की गई, सभी हर जगह ढूंढा गया. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. मदर पेपर्स के बारे में पूछती है कि तुमने तो नहीं देखे होंगे. Oh yes, mom. I tore them up for my surprise. अब केजिया बता देती है कि भाई मैंने तो उनको फाड़ के और अपने सरप्राइज में डाल दिया. मदर एकदम से स्क्रीम चिल्लाती है. वो what? Come straight down to the dining room this instant, straight to your father. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. वो फादर वहीं डाइनिंग रूम में इधर उधर घूम रहे थे. Hands behind his back, हाथों को पीछे बांध कर टेंशन में वो घूम रहे थे क्योंकि इम्पोर्टेंट स्पीच नहीं मिल रही थी उनकी. Well, he said sharply, what happened? Mother explained the situation that Kezia had torn your speech. He stopped and stared at the child. Did you do that, child? No, she whispered. अब फिर से उसकी स्टफिंग शुरू. मदर गो अप टू हर बेड एंड फैश डाउन द डैम थिंग, दैट बैड थिंग, वो बुरी चीज, वो घटिया चीज लेकर आओ नीचे. क्या है? सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और अभी इसको बेड पर ले जाओ, इस लड़की को, इसको मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. शाम के समय जो रोशनी की वजह से रूम में पैटर्न बन रहे थे फ्लोर पे, उसे केजिया देख रही है और खूब रो रही है वो बेचारी. And she was crying too much that she couldn't explain the situation, she couldn't justify herself. Then father came into the room with a ruler in his hand. अपने हाथ में एक स्टिक लेकर, रूलर लेकर वो पहुंचते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस केजिया. ओह नो, प्लीज फादर, प्लीज फॉरगिव मी, शी स्क्रीम्ड.
हिडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. वो अपने आप को छुपाती है बेड क्लोथ्स के नीचे, लेकिन वो उन्हें असाइड कर देते हैं. ही पुल देम असाइड. सभी कपड़ों को हटा के केजिया को कहते हैं, सिट अप एंड होल्ड आउट योर हैंड. हाथ ऊपर करो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. जो चीज़ तुम्हारी नहीं, विदाउट परमिशन किसी की चीज़ यूज करनी नहीं चाहिए, ये बात तुम्हें समझानी होगी. एंड फॉर दैट आई मस्ट पनिश यू. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. केजिया ट्राई टू एक्सप्लेन दैट शी डिड सो फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, बट फादर वॉज नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पाम. ही गेव पनिशमेंट टू द लिटल गर्ल. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, आराम वाली वो हिलने वाली चेयर के ऊपर उसको शॉल के अंदर कवर करके grandmother उसको रॉक करती है, हिलाती है. Then child clung to her soft body. Clung means चिपक जाना एकदम से. टाइटली होल्ड करना. वो अपनी grandmother को टाइटली होल्ड कर लेती है. What did God made make fathers poor, she sobbed. वो सुबकते हुए कहती है कि भगवान ने ये फादर बनाए ही क्यों हैं. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. But you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but it was too upset to listen tonight. Grandmother tried to calm the child. She said that she would forget all the things early morning. She explained that she tried to justify her in front of her father, but father was too angry that he couldn't listen anything.